आप लोगों ने मेरे पुराने वाले ट्राइपॉड का रिव्यू तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। उसी ट्राइपॉड का यूज करके मैं नियरली 9 to 10 months हो गए वीडियोस अपनी रिकॉर्ड कर रहा था यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली। मैं अपना सजेशन दूं तो वो ट्राइपॉड बेस्ट है बिगिनर्स के लिए जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं। वो ट्राइपॉड मैंने ओनली 335 rupees में बाई करा था, लेकिन अगर आप लोग जाके अब उसका रिव्यू वगैरह देखेंगे तो पता चल जाएगा 9 to 10 months में कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे चैनल में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक ट्राइपॉड परचेस कर लिया है जो कि आता है डिजिटेक की ओर से। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं हमें ट्राइपॉड कैसा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो ये ट्राइपॉड है ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस करा है एज यू कैन सी, एंड अभी कंप्लीटली पैक्ड है। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं हमें कैसा ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है। नेम तो बता दिया मैंने कि डिजिटेक का मैंने खरीदा है, लेकिन मॉडल भी आगे चल के बताता हूँ आप लोग को, एंड इसका हो सके तो रिव्यू वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ट्राइपॉड देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। एंड मेरे पास जो ट्राइपॉड है ये है DTR 550LW, डिजिटेक की तरफ से आता है। मेरे हिसाब से ये आपको 1500 की प्राइस में बेस्ट देखने को मिलता है DTR 550LW। परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बॉक्स के अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम वेट ये 5 kg तक उठा सकता है। मिनिमम हाइट है 61.5 cm, मैक्सिमम हाइट है 170 cm, एंड बाकी जो ट्राइपॉड का वेट है ये है अराउंड 1.2 kg। तो ट्राइपॉड को फटाफट पैकेज से निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरी बैग देखने को मिलता है जो कि मेरे को काफी बढ़िया लग रहा है एज यू कैन सी। आप लोग यहाँ पे ट्राइपॉड देख सकते हैं, ट्राइपॉड के लेग से ये पूरे आपको एल्युमिनियम के देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट इसको एक बार मैं सेटअप करके आप लोगों को इसका क्लियर व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग स्टैंड देख सकते हैं, इसमें आपको 3 leg देखने को मिल जाते हैं ये रे, एंड सेंटर में आपको वेट बैलेंस करने के लिए 1 leg देखने को मिल जाता है। तीनों लेग है आपको एल्युमिनियम के देखने को मिल जाते हैं, एंड सेंटर वाला भी एल्युमिनियम से बना हुआ है, एंड नीचे की साइड आपको रबड़ लगे हुए मिल जाते हैं ताकि ये स्लिप ना हो, ग्रिप बनी रहे इसकी। सेंटर स्टैंड है, इसके नीचे आपको एक हुक देखने को मिल जाता है वेट हैंग करने के लिए ताकि स्टेबल रहे ट्राइपॉड हिले ना। एंड इसको मैं रोटेट करूँ तो यहाँ पे आपको पैन करने के लिए हैंडल मिल जाता है जिसको आप लोग लूज करके पैन एंड जूम कर सकते हैं, कुछ ऐसे पैन वगैरह कर सकते हैं शॉर्ट्स में। एंड ऊपर आपको माउंट करने के लिए स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप लोग अपना DSLR कैमरा वगैरह माउंट कर सकते हैं, या फिर अगर मोबाइल वगैरह लगाना है तो उसके लिए आपको अलग से वो परचेज करना पड़ेगा। एंड साइड में आपको यहाँ पे लेवलर मिल जाता है जिसका यूज करके आप लोग स्टैंड को बिल्कुल परफेक्ट सेट कर सकते हैं। एंड इसकी अगर हाइट वगैरह अगर आपको इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे आपको एक हैंडल भी देखने को मिल जाता है, बस इसको निकालना है एंड ऐसे रोटेट करेंगे तो जो इसका हाइट है ये ऊपर जाएगा। हाइट को लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको एक नॉब देखने को मिल जाती है, तो पहले नॉब को लूज कर लेते हैं एंड अब इसको रोटेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये स्टैंड है ये पूरा ऊपर जाएगा एज यू कैन सी। एंड इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको नॉब देखने को मिल जाती है, इसको पूरा टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, इसमें कोई भी शेकिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसको एक बार फटाफट नीचे लाते हैं, नीचे लाने के लिए बस आपको सिंपल उल्टा घुमाना है इसको, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से आप लोग इजी इसको नीचे ला पाएंगे। तो इसको आप लोग पूरा 360 degree तक रोटेट कर सकते हैं, एंड इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक नॉब देखने को मिल जाती है, इसको टाइट कर देंगे तो अब ये रोटेट नहीं होगा, एंड इसको टाइट कर देंगे जो इस साइड दे रखा है तो ये सेंटर पार्ट बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा पूरा है। तो फटाफट एक बार पूरा ओपन करता हूँ ट्राइपॉड, देन आपको फाइनल लुक यहाँ पे दिखाता हूँ। एंड ये जो तीनों लेग हैं इसके सेंटर से कनेक्टेड हैं इस रॉड से, इसको बिल्कुल नीचे करके इसको लॉक कर देंगे, जहाँ पे आप लोग सेट करेंगे वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं ट्राइपॉड का, जब आप लोग कम्प्लीटली ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड इसकी हाइट मेरे से काफी ज्यादा है, मेरी हाइट अराउंड 169 है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कितना बड़ा है ये ट्राइपॉड। इससे ज्यादा ऊंचे ट्राइपॉड की मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है लेग्स में, इसको कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, यानी ये लेग है इसके अंदर चला जाएगा, तो इसको पूरा ओपन करके इसको यहाँ पे लॉक वगैरह कर सकते हैं आप लोग। तीनों पहिए में दो दो लॉकिंग सिस्टम दे रखे हैं, एंड सेंटर में आपको एक लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जो पूरा ट्राइपॉड ओपन कर ले, सही से सेट कर ले तो लेग्स को लॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आपका ट्राइपॉड यहाँ पे सेक कर रहा है, देन यहाँ पे आप लोग कुछ वेट वगैरह भी हैंग कर सकते हैं ताकि आपका जो ट्राइपॉड है ये सेक ना करे। पूरा जो ट्राइपॉड का वेट है बस ट्राइपॉड का ये है अराउंड 1.2 kg, एंड ये वेट हैंडल कर सकते हैं अराउंड 5 kg तक। एंड यहाँ पे आपको एक हैंडल देखने को मिल जाता है, ये बेसिकली जब ट्राइपॉड को पूरा होल्ड कर ले तो इसको कैरी करने के लिए दिया गया है। एंड इसका यूज तो मैंने बता दिया कि इसको आप लोग रोटेट करके जो ऊपर का पार्ट है इसको अप डाउन मैनेज कर सकते हैं, एंड इसका यूज करके आप लोग इस ऊपर वाले पार्ट को लॉक कर सकते हैं ताकि ये सेक ना करे। तो फटाफट इसको एक बार नीचे लाते हैं, नीचे लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पूरा लूज करना पड़ेगा, यहाँ मैंने पूरा लूज कर दिया एज यू कैन सी इसको, देन आपको हैंडल को उल्टा रोटेट करना है, इस साइड रोटेट करना है, ये नीचे आ जाएगा एज यू कैन सी।
देन ऊपर की साइड आपको एक और लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ऊपर का पार्ट है इधर उधर रोटेट ना करे उसके लिए दिया गया है। इसको अगर आप लोग लूज कर देंगे तो ऊपर का वाला पार्ट पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेगा एज यू कैन सी, एंड इसको टाइट कर देंगे तो एक जगह फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको लेवलर भी देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी इस साइड, ताकि आप लोग अपने ट्राइपॉड को लेवल करके एक जगह फिक्स कर पाए। एंड ऊपर आपको यहाँ पे माउंट करने के लिए स्पेस दिया गया है। एक मोबाइल होल्डर आता है उसमें आप लोग मोबाइल फिट करके यहाँ पे माउंट वगैरह कर सकते हैं, उसको आप लोग को सेपरेटली परचेज करना होगा। यहाँ पे एक और लॉकिंग सिस्टम है जिसको कुछ ऐसे करके आप लोग ऊपर का जो पार्ट है मोबाइल होल्डर वाला इसको बाहर निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, इसको लूज करके आप लोग जो ऊपर का पार्ट है कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग जो वर्टिकल अगर आप लोग सोर्स वगैरह लेना चाहते हो ट्राइपॉड का यूज करके, देन यहाँ पे आप लोग मोबाइल होल्डर लगा के ले सकते हैं एंड इसका यूज करके इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये ट्राइपॉड आपको अंडर 1500 बेस्ट इन बजट देखने को मिल जाता है। अगर आपको परचेज वगैरह करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ट्राइपॉड बिल्कुल फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, एंड जैसे कि मैंने बताया इसको कैरी करने के लिए यहाँ पे हैंडल दे रखा है, तो इसमें आप लोग ऐसे कुछ करके इस ट्राइपॉड को कैरी कर सकते हैं इजिली। एंड साथ में आपको कैरी बैग भी देखने को मिल जाता है, तो काफी बेस्ट इन बजट आपको ट्राइपॉड ये देखने को मिल जाता है अंडर 1500। Yo, I ain't here for the money. I-